जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा SUN न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज ओनली ऑन SUN न्यूज। क्यों बढ़ रही है देश में महंगाई, क्यों घट रहा है लिंग अनुपात, शिक्षा का बदलता स्वरूप, क्यों बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य के प्रति आप कितने हैं सचेत, राजनेताओं की रणनीतियाँ, अपराध जगत पर पैनी नजर, क्यों है महिलाएं असुरक्षित, देश में क्यों हो रही है भ्रूण हत्याएं, किसान कैसे बढ़ाएं कृषि उत्पादन, कैसे बनाएं पर्यावरण को सुरक्षित, खेल जगत से जुड़ी समस्याएं और अन्य संबंधित मुद्दों पर करेंगे बातचीत। देखते रहिए इशू टुनाइट SUN न्यूज पर साक्षी अरोड़ा के साथ। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज ओनली ऑन SUN न्यूज। 16 मार्च वर्ष 2012 को बजट पेश हुआ। जी हाँ, बजट जिसका इंतजार रहता है हर व्यक्ति को। आखिरकार देश का एक और आम बजट पेश कर दिया गया। माना जा रहा था कि आर्थिक सुधारों को गति देने के लिए प्रणब मुखर्जी कई कड़े कदम उठा सकते हैं, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। कई अहम आर्थिक नीतियों पर पड़ा असमंजस का पर्दा आज भी वैसा का वैसा ही है। जहाँ सर्विस टैक्स 10% से बढ़कर 12% कर दिया गया, जहाँ मोबाइल निर्माता खुश हुए, वहीं मोबाइल प्रयोग करने वालों के कंधों पर शायद बिल का भार बढ़ेगा। लेकिन इन सब्सिडाइजेस, टैक्सेस और अन्य फैक्टर्स से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इन नीतियों का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर बात रेल बजट की करें तो भी निराशा हाथ आएगी। रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी की ओर से पेश रेल बजट का जो हश्र हुआ, उसे देखते हुए यह स्पष्ट था कि वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वह वक्त की मांग को बिल्कुल भी पूरा नहीं करेंगे। ये बात केवल बजट या रेलवे बजट की नहीं बल्कि हर क्षेत्र में है। FDI का मुद्दा भी इसी के चलते ठंडे बस्ते में जा बैठा। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये बातें केवल UPA गवर्नमेंट के शासनकाल में हुई है, बल्कि ये चीजें हर कोलिशन की सरकार में पाई जाती हैं। बात चाहे NDA की करें तो सामने आती है वर्ष 2002 के फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा की बजट स्पीच, जब लेबर लॉ की बात की गई थी। न जाने क्यों सरकारों को देश से अधिक प्रिय अपनी गद्दी हो जाती है। देश की अर्थव्यवस्था और व्यवस्था चाहे कहीं भी किसी भी स्तर पर रहें, परंतु हर सरकार को जाने क्यों अपनी गद्दी प्यारी होती है। आखिर देश के उत्थान में, अर्थव्यवस्था के बेहतर बनाने में राजनीति का क्या काम, तो यही है आज हमारी चर्चा का विषय। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी, करती हूँ आप सभी का स्वागत आप ही के कार्यक्रम इशू टुनाइट में। 16 मार्च को पेश हुआ यूनियन बजट और उससे पहले आया रेल बजट, परंतु इन दोनों बजट्स ने सरकार और देश और अर्थव्यवस्था की तस्वीर को थोड़ा और साफ कर दिया। परंतु परेशानी ये हुई कि क्या ये तस्वीरें साफ हुई हैं या और धुंधली, तो यही है आज की चर्चा का विषय। और चर्चा में साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर बीबी बत्रा, विधायक रोहतक, प्रोफेसर संतोष नांदल, प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स MGU रोहतक, और साथ में है मिस्टर प्रदीप जैन, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रोहतक। नमस्कार, तीनों का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में और आज की डिबेट में। मैं टॉपिक पहले ही अनाउंस कर चुकी हूँ कि थोड़ा सा डिबेट से रिलेट करके चलना चाहेंगे, लेकिन जो इंडियन इकोनॉमी है उसी पर स्ट्रेस हम करेंगे कि क्या क्या कमियां हैं और कहां पर हैं। आपके पास आती हूँ बत्रा जी, आप हैं कांग्रेस पार्टी से और विधायक हैं, तो बजट पेश हुआ 16 तारीख को, तो हम कुछ भी ये नहीं कहना चाहेंगे कि उसमें ये कमी थी या कुछ अच्छा था, हम वो बात नहीं करना चाहेंगे। मैं एक वैसे ही आपसे पर्सनल व्यू जानना चाहूंगी आपका, क्या लगता है आपको बजट कैसा रहा? नहीं, बजट के सभी पहलू आप कह सकते हैं, बड़ा संतुलित बजट था। इस बजट में सबसे जो अच्छा हम कह सकते हैं वो कि दिस बजट इज नॉट इन्फ्लेटरी, इससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, और हर एक चीज़ को इस बजट के अंदर बढ़ावा दिया गया। और एक अर्थव्यवस्था को चलाना, एक देश की अर्थव्यवस्था को चलाना जी इतना आसान नहीं है जितना आम जनमानस को नजर आता है। सोशल सेक्टर को कैसे कवर करना, इकोनॉमिक सर्विस को कैसे कवर करना, रेवेन्यू रिसीट को कैसे बढ़ाना, कैपिटल रिसीट को कैसे बढ़ाना, प्लान्ड सेक्टर में कैसे काम करना, नॉन प्लान्ड सेक्टर में कैसे काम करना,
तो ये एक अर्थव्यवस्था जब बजट पेश होता है तो ये मुख्य चीज़ें उसमें मुख्य बिंदु इसके अंदर होते हैं जी। अगर इन सब को मद्देनज़र रखा जाए और इनकम टैक्स स्लैब को भी मद्देनज़र रखा जाए और साथ में राजनीतिक वातावरण को भी साथ में रखा जाए जी। इंटरनेशनल जो सीन है जो सभी जगह अर्थव्यवस्था में थोड़ी गड़बड़ है उसको भी ध्यान रखते हुए ये जो बजट प्रणब मुखर्जी ने दिया है ये बहुत एक संतुलित और अच्छा बजट। शुक्रिया मैम। आप हैं एक अर्थशास्त्री, आपके नजरिए में ये बजट संतुलित है? आंकड़ों के हिसाब से मैं देखूं तो संतुलित नजर आता है जी। क्योंकि जो प्रणव जी ने फिस्कल डेफिसिट कम करने की कोशिश की है, 5 point something उन्होंने कहा है, इनकम टैक्स स्लैब में भी थोड़ी सी मार्जिनली 20,000 पीछे था, 20,000 उन्होंने अब दिया है, लेकिन साथ साथ एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटीज हैं, उसमें जो बढ़ोतरी की है तो इधर से इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ा सा फायदा मिलेगा लोगों को, लेकिन साथ में जो मर्केंडाइज जो गुड्स हैं वो थोड़ा सा महंगे होंगे जी। जैसे अभी आप देखेंगे कि एक दो जो कार कंपनी है उन्होंने तो पहले अपने प्राइसेस बढ़ा दी हैं कि हम जी 5,000 से 93,000 तक प्राइसेस बढ़ाएंगे, तो जो एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ी है और जो कस्टम ड्यूटी जो बढ़ेंगी तो उससे ऑलरेडी जो अनाउंस कर चुके हैं 1% 2% जो बढ़ाने का, तो वो इन्फ्लेशन को देर इज सम डाउट कि इन्फ्लेशन खत्म कर पाएगा या बढ़ाएगा कुछ, मतलब वही जो धुंधली सी तस्वीर है वही सामने आती है कि अगर दे रहे हैं तो ले भी रहे हैं। हाँ, तो वो इन्फ्लेशन वाला यदि इनकम ग्रुप से, क्योंकि जो स्लैब इंक्रीज किया है, क्योंकि हालांकि प्रणव जी ने बहुत कोशिश की है उसके अंदर बजट के अंदर जैसे इनकम टैक्स स्लैब थोड़ा सा बढ़ाए, क्यों बढ़ाए, क्योंकि वो खुद ही जो इनकम टैक्स का जो कोड लेके आना चाहते हैं उसके अंदर इनकम टैक्स का स्लैब होना चाहिए और वो होना चाहिए 5 lakh तक, तो उन्होंने कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा मार्जिनली इंक्रीज करें। लेकिन बात तो की जा रही थी ना कि पहले भी जैसे बजट से पहले भी अटकलें लगाई जाती हैं कि उम्मीदें जताई जाती है जबकि एक चीज इतनी बढ़ेगी इतनी कम होगी, तो भी था स्लैब को 3 lakh तक करने की बात की जा रही थी, 20,000 तक बढ़ा दिया गया। अगर हम 6th pay commission की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत जो एक 4th class के भी एम्प्लॉयज हैं, पियॉन्स हैं, उनकी सैलरीज भी आ जाती है इसके जो 2 lakh की अगर हम स्लैब रख के चलते हैं तो क्या फायदा हुआ, 20,000 करने का भी क्या फायदा था, नाम भी हो गया कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 6th pay commission के हिसाब से जो स्लैब की जो चल रही थी पहले की 3 lakh बढ़ना चाहिए, पीपल वर होपिंग कि 3 lakh बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए था। लेकिन जो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट जो बात मुझे नजर आती है बजट के अंदर जो पॉजिटिव जो इसका पार्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने 60,000 something जो कि उसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट का होगा और इवन जो इन जो सेविंग जो होल्डर्स हैं उनको भी इसके अंदर इनकम टैक्स रिबेट मिली, तो ये एक पॉजिटिव चीज नजर आती है कि समवेयर दे कैन बी इनिशिएटेड कि सेविंग उनको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, तो ये एक पॉजिटिव नजर आता है। लेकिन इन्फ्लेशनरी, क्योंकि बहुत बार हम जो है डिस्कस करते हैं कि फूड इन्फ्लेशन हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के अंदर, मैन्युफैक्चर अब बजट के अंदर देखिए LCD की प्राइस कम कर दी है या जो TV की प्राइस कम कर दी है, तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है उनकी प्राइसेस इतनी मार्जिनली इंक्रीज नहीं होती, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है वो आपकी एकदम शूट अप करती है और उसी से ही लोग जो है क्राई करते हैं कि नहीं जो है फूड्स बहुत महंगा हो गया है, इसमें ही सबसे ज्यादा फर्क आता है। बता जी, हम यहाँ पर टैक्स की बात कर रहे थे, हमने बात की टैक्स स्लैब की जो 20,000 तक उसमें बढ़ा दिया गया, लेकिन जो हम कोशिश जताई जा रही थी या बातें की जा रही थी, पहले उम्मीदें जताई जा रही थी कि 3 lakh तक कर दिया जाएगा। अगर हम भारत में बात करना चाहें तो एक मैं आपसे वैसे ही सवाल पूछना चाहूंगी कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स जो पे करते हैं वो कितने लोग हैं, हमारी जनसंख्या का कितना हिस्सा है जो इनकम टैक्स पे करता है? हरेक सैलरीड क्लास बिजनेसमैन सभी उसमें, दैट इज रेशो ज्यादा नहीं आती है, इट्स समवेयर 2 or 3%। ओनली 3%, 3% सिर्फ 3% तक हमारी पूरी जनसंख्या का इनकम टैक्स पे कर रहा है, जो पे कर रहा है उसी को फिर से मार दिया जा रहा है, उसी को कुछ रिबेट दे दिया जा रहा है। इफ यू कंपेयर विद द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, दिस टाइम देयर इज अ रिलीफ ऑफ अराउंड 2200 रुपीज अप टू द स्लैब ऑफ 2 lakh रुपीज, देन फ्रॉम 2 lakhs to 5 lakh, and if we compare to up to 10 lakhs, then there is a relief of 22,000. लेकिन सवाल तो वही उठता है ना? नहीं नहीं, ऐसे आप नहीं, आप नहीं नहीं, ऐसे है कि सरकार की व्यवस्था को चलाने के लिए अगर सबसे ज्यादा सरकार का रेवेन्यू रिसीट आती है तो डायरेक्ट टैक्स की होती है, वो इनकम टैक्स की होती है, अर्थव्यवस्था
को संतुलित रखने के लिए इस स्टेज पे सरकार इस कैपेसिटी में नहीं होगी, इस व्यवस्था में नहीं होगी कि 2 लाख से 3 लाख रुपये स्लैब बढ़ाया जाए। तो इसलिए हर एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमारे सामने एक सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर नांदल बैठे, मिसेज डॉक्टर नांदल बैठी हैं, इस बात को अच्छी तरह समझ सकती हैं कि रेवेन्यू रिसीट नहीं आएगी तो सरकार कैसे चलेगी, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। तो ऐसे 3 लाख बढ़ाने में अर्थव्यवस्था में टैक्स रिलीफ में बड़ा फर्क पड़ता होगा, इसलिए स्टेप नहीं। जी, शुक्रिया। प्रदीप जी, क्या सहमत हैं आप इस बात से? मैं सारे विषय को अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। जी, जब 2010-2011 का बजट प्रणव दा ने पेश किया उस समय देश की जनता के सामने संसद में खड़े होकर उन्होंने 5 वायदे किए थे कि सब्सिडी का बिल कम किया जाएगा, सरकारी खर्चे कम किए जाएंगे, डिसइन्वेस्टमेंट से 40,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, बचत बढ़ाई जाएगी। इन सब बातों पर मैं प्रणव दा के से ही पूछना चाहता हूं, क्या सरकार ये वायदा पूरे कर पाई है? 3.4% सरकारी खर्चे पिछली बार थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा इस बार 13.9% सरकारी खर्चे हुए हैं, यानी कि कुल मिलाकर 4 गुना खर्चे बढ़ जाना। और जब वित्त मंत्री वायदा और दावा देश से कर रहे हैं कि हम सरकारी खर्चों में कमी करेंगे, दूसरी बात 40,000 करोड़ रुपए सरकार ने वायदा किया था पिछले बजट में कि हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट करके जुटाएंगे, लेकिन कितना हुआ? सिर्फ 1415 करोड़ रुपया, एक तिहाई वो जुटा पाए। इसके लिए क्या जवाब सरकार के पास है? सब्सिडी का बिल घटाएंगे उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? तो सरकार जो वायदे और दावे कर रही है, इन्फ्लेशन हम घटाएंगे, देश की जो आर्थिक विकास की प्रगति दर है उसके अंदर बढ़ोतरी लाएंगे, 9% का वायदा किया था, 6.9% दिखाई जा रही है जो कि हकीकत में 5.2% है। जब पिछले वायदों पर ही वित्त मंत्री और मौजूदा सरकार खरी नहीं उतरी, और आज के मौजूदा आज मौजूदा वायदों की बात में मैं आपसे कर लूं, भारत की इकोनॉमी दुनिया भर में मंदी के बावजूद भी खड़ी हुई है, उसका सबसे मुख्य कारण बचत है। आम आदमी, आम नागरिक, किसी भी स्तर पर उसकी आमदनी है वो बचत करने का स्वभाव है, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश में पिछले 3 सालों में बचत की दर में भारी कमी आई है। तो सरकार कैसे ये दावा कर सकती है कि हम देश की इकोनॉमी को मंदी से बचा लेंगे? महंगाई लगातार बढ़ी है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं, वित्त मंत्री साफ साफ कहते हैं कि राज्यों की जिम्मेदारी है। तो क्या राज्यों को जो संसाधन राज्यों से जुटाए जाते हैं क्या राज्यों को वापस दे दिए जाते हैं क्या? मैं इन सब बातों पर, वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वो निराशाजनक है, निराशाजनक यानी दिशाहीन है। सिर्फ 4500 करोड़ रुपया सरकार का घाटा होने वाला है 20,000 रुपया इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाने से, लेकिन एक्साइज बढ़ाने से 45,410 करोड़ रुपया सरकार को मिलने वाला है, यानी कि लगभग 10 गुना से भी ज्यादा सरकार दूसरे रास्ते से इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से लेना चाह रही है, और डायरेक्ट टैक्स